हेलो, मैं हूँ रोशन कुमार, एक कहानीकार जो आपको कहानियाँ सुनाता है ताकि आपके सोच में परिवर्तन आ सके। आज के कहानी का शीर्षक है मनुष्य की कीमत। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वह तो अनमोल है। बालक ने कहा, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है? पिताजी ने कहा, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे, फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक ने कहा, 200 रुपये। पिताजी ने कहा, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तब तो यह और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी ने कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर तक गन्ना करता रहा, फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वह क्या है, बल्कि इसमें है कि वह अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यूलेस समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारी जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती है, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।